और जिस कंपनी में काम करते थे बहुत खुश होकर के उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और बहुत खुश रहते थे। रोज़ रोज़ के हम लोगों की दो तीन बार बातें होती थी, रात में सोने के पहले भी बात होती थी। लेकिन ऐसा अचानक क्या बात पैदा हुई उसमें, वो बता रहे थे कि और कास्ट फीलिंग के कारण से ऐसा मेरे साथ किया जा रहा, हो सकता है ये लोग मुझे और आगे बढ़ा करके प्रताड़ित करें। उसमें एक अल्फी मैडम थी और दो लोग और थे, इनके सीनियर थे। किस तरह की कभी आपसे बात हुई, क्या प्रताड़ना करते थे? जैसे आप वहाँ काम करते थे, आप इसमें काम करते थे तो काम थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा चलते थे, और जो ये काम लेके जाते थे अपने बॉस को दिखाने, जो मैडम थी वह उसी काम को रिजेक्ट कर देती, दूसरा लेके जाता था पेश कर देती थी। मानसिक रूप से बहुत पीड़ित करती थी। अच्छा, जिस दिन सुसाइड हुआ क्या आपसे बात हुई थी? हाँ, उस दिन दो बार तो सवेरे मेरी प्रतिदिन बात होती, उस दिन भी दो बार मेरी बात हुई थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं बताया कि आज मैं ऐसा कर लूँगा। अच्छा, मतलब क्या भाव था जब बातचीत की? जो कि पहले जैसा था, एकदम नॉर्मल था बात, और सामान्य रूप में मुझसे बात करते थे। पूरा घर का रंग देखते थे, कैमरे लगवा दिए थे कि आप जहाँ भी रहेंगे हम आपको देखते रहें, घर पे कौन आ रहा, आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रही, कैसे सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सारी मेरी व्यवस्था करते थे। कहीं किसी प्रकार की कोई बात कमी नहीं घर में होने देते थे। कभी बताया किस तरह की टिप्पणी होती थी उनके लेकर? हाँ, वो बताते थे कास्ट फीलिंग बराबर होती थी। अच्छा, तो उसका कंप्लेंट भी उन्होंने उस दिन उन्होंने पूरे इंडिया के जितने उच्च अधिकारी थे सबको उन्होंने भेज दिया था, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, यहीं सेंट जोसेफ से पढ़े हैं, जब दीवानी कचहरी बस्ती के पास सेंट जोसेफ था तो यहाँ से पढ़े हैं, हाई स्कूल तक यहाँ पढ़े हैं, और उसके बाद में सेरेउट अकाडमी लखनऊ गए, वहीं से इनका कैंपस सेलेक्शन हुआ, और फिर सीधे बंगलौर गए। बंगलौर में ये बहुत अच्छे टॉप किए हैं यूनिवर्सिटी अपना, एक साल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे, एक साल प्रेसिडेंट रहे हैं, इनकी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वहाँ के। उसके बाद जॉब किस कंपनी में लगी थी उनकी नौकरी जो है? एक कंपनी में ज्वाइन किए थे, लाइफ स्टाइल में। इसमें किसमें थे? इस बार भी उन्होंने आकर के फिर इसमें ज्वाइन किया था। तो क्या समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरह की घटना जैसे अब हो रही है? समाज में मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से लोग सतर्क रहें, और किसी के चंगुल में ना फंसे बहकावे में आकर के, हर आदमी सतर्क रहे, और जो भी ऐसी प्रताड़ना लोग करते हैं अपने ऐसे दिमाग से दूर कर दें, क्योंकि ऊपर वाला न्याय देगा और न्याय करेगा। अब मैं तो बर्बाद हो चुका, लेकिन दूसरा ना कोई बर्बाद होने पाओ ऐसा समाज में। आपके घर में परिवार में कौन से लोग हैं माता जी के? अब कोई नहीं रह गया। उनकी माता जी जो थी 20 साल पहले देहांत हो गया। बहुत दुख फील हो रहा होगा, इस तरह की नहीं होनी चाहिए घटना जैसे समाज में। किस तरीके से आपके बेटे के साथ हुआ, अब आप आगे किसी और के साथ? आप क्या देखते हैं, मतलब आपके पास एक ही बेटा था, दुनिया मेरी ख़त्म हो गई है।